जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। सॉरी, थोड़ा सा मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा, एक दो मेरे पास क्वारीज आई हैं कि जी ये समझ नहीं आया। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम जैसे बात करते हैं कि जी बेसिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। देयर आर टू मेजर पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से दो मेजर पार्ट्स हैं? देयर आर टू में, अच्छा यहाँ पर टू की स्पेलिंग गलत है, TWO2 होना चाहिए था, ठीक है। देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कहलाता है जी, एक कहलाता है हार्डवेयर और दूसरा कहलाता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, हार्डवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? हार्डवेयर ऑल द फिजिकल पार्ट्स। तो यहां पर हमें डेफिनेशन दी गई है, वो दिया गया है जी, हार्डवेयर मींस ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि वो तमाम पार्ट्स जो कि फिजिकली मौजूद है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको मतलब कि जिनको हम छू सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल टेंजिबल पार्ट्स। टेंजिबल पार्ट्स मींस ऐसे तमाम हिस्से, टेंजिबल कहते हैं जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल और दूसरा इसका होता है इनटेंजिबल, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको महसूस नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो यहां पर क्या होगा, हार्डवेयर ऑल फिजिकल पार्ट्स और ऑल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की एग्जाम्पल कौन सी है? जैसे मेरे पास कीबोर्ड है, फिजिकल है, मैं इसे छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या है, ये हार्डवेयर में शामिल होगा, ठीक है। आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी आते हैं कि हार्डवेयर बिजनेस के बाद, फिर अब आगे हम बात करते हैं कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ हार्डवेयर। एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ये भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, उसके बाद आती है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इन तमाम में हम बात करते हैं हार्डवेयर की ही बात करते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस मिसाल के तौर पर जैसे हम कीबोर्ड की भी मैंने बात की, यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा इन करते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर को जिसके जरिए कमांड देते हैं। तो कीबोर्ड के जरिए हम कमांड देते हैं, लिखते हैं, अपना नेम एंटर करते हैं, टेक्स्ट एंटर करते हैं। अच्छा, माउस के जरिए ऑन क्लिकिंग ऑन द आइकॉन हम यानी कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि इस फाइल को, फोल्डर को ओपन करो या रीनेम करो, कुछ भी है वो माउस के जरिए करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो है वो, या जैसे हम आगे और आगे बात करें तो जैसे आपके पास ट्रेस बॉल हो गया, आपके पास आगे बुक में देखिए आएंगे सारी चीज़ें, सेकंड या थर्ड चैप्टर है जिसमें हम जो है वो इनपुट डिवाइसेस के वाले से बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हार्डवेयर की। हार्डवेयर आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अच्छा, माउस भी फिजिकल पार्ट है तो ये भी हार्डवेयर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हार्ड डिस्क फिजिकल पार्ट्स है, हार्डवेयर कहलाएगा। रैम फिजिकल पार्ट्स है, हार्डवेयर कहलाएगा। मदरबोर्ड फिजिकल पार्ट है, हार्डवेयर कहलाएगा। प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर क्या कहलाएगा, फिजिकल पार्ट है ना, तो फिजिकल पार्ट ये भी कहलाएगा हार्डवेयर, ठीक है। यानी कि वो तमाम चीजें जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं कंप्यूटर पे आर कॉल्ड हार्डवेयर। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सेकंड मेजर पार्ट, ठीक है, हमने पहले बात की थी। अच्छा, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें हैं जी, ठीक है। ऑल द प्रोग्राम्स विच वी यूज इन ए कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो मेजर एक सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आ जाती है कि ठीक है, वो तमाम प्रोग्राम या वो तमाम सॉफ्टवेयर, जैसे हम कहते हैं ना कि जी फ्लान सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, वो जी ऑफिस का सॉफ्टवेयर क्या है जी, विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यानी कि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम प्रोग्राम्स विच वी आर यूज इन कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसकी सिंपल डेफिनेशन, जैसे ऊपर हमने कहा था कि फिजिकल पार्ट्स, तो ये तमाम नॉन, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर बेसिकली ऑल नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट टच देम, वी कैन, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम पेन पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या जैसे हम विंडो मीडिया प्लेयर पे काम कर रहे हैं, यानी कि मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो वो मूवी हमें कंप्यूटर पे स्क्रीन पे नजर आ रही है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन जैसे हम हार्ड डिस्क को हाथ में उठा लेते हैं, कीबोर्ड को हम टच कर लेते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते, यानी कि वो नॉन फिजिकल पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम इंटेंजिबल पार्ट्स भी कहते हैं, इंटेंजिबल पार्ट्स, सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल पार्ट्स भी कहते हैं, यानी कि वो तमाम सॉफ्टवेयर, वो तमाम प्रोग्राम, वो तमाम कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, यानी कि फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं इंटेंजिबल पार्ट्स, ठीक है, विच वी कैन नॉट सी और टच, ठीक है। अच्छा, सी यहाँ पर जरा थोड़ा सा होगा, ठीक है, यानी कि हम उसे फिजिकली, जैसे MS ऑफिस काम कर रहे हैं, हम MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं,
तो हम सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे नहीं बल्कि मॉनिटर के ऊपर उसकी उस हवाले से आउटपुट आ रही होगी, ठीक है। तो आप आपकी बेटा बुक में भी आप देख लीजिए, ठीक है, पेज नंबर 2 पे जो आपकी डेफिनेशन है वो 1.1.2 में यही है कि द फिजिकल पार्ट्स और टेंजिबल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर बनाने में वो तमाम टेंजिबल या फिजिकल पार्ट्स जो हैं आर कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की आगे डेफिनेशन दी है 1.1.3 में, ठीक है, वो यही दिया है कि सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ प्रोग्राम दैट इंटरैक्ट द कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट टू डू, यानी कंप्यूटर पे वो तमाम प्रोग्राम जो के कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने क्या करना है आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसकी सिंपल बड़ी डेफिनेशन आपको बता दी कि ये नॉन टेंजिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर मेक्स द कंप्यूटर यूजफुल विदाउट, देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसकी आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखते हैं या कोई भी लिविंग बॉडी है, ठीक है, एक उसमें जिस्म होता है और दूसरी उसमें रूह होती है, ठीक है। अच्छा, अब रूह को हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिस्म को टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, वेन ही अलाइव, जब वो जिंदा होता है तो वो सारे काम कर रहा होता है, यानी मीन्स के उसके अंदर रूह होती है, ठीक है, लेकिन जब वो उसके अंदर से रूह निकल जाती है तो जस्ट एक खाली फिजिकल पार्ट रह जाता है, वो काम नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पर भी कंप्यूटर पे भी ऐसे ही है, इसका रूह और जिस्म का रिश्ता होता है। मैं आपको सिंपली यानी कि सिंपल उसमें आपको मैं बताऊं, ठीक है। क्लियर, बेटा जी ये आप जो स्क्रीन के ऊपर कर रहे हैं, मुझे सबको वीडियो को डिसेबल करना पड़ेगा। और अभी मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये कौन है, मेरे पास हिस्ट्री में सारा आ जाएगा, ठीक है। सो बेटा बी केयरफुल, इस तरह की चीज़ें ना करें, ये ना हो कि मुझे आपको ब्लॉक करना पड़े, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे ही विदाउट, मिसाल के तौर पे आपके पास कंप्यूटर है या जैसे हमारे पास मोबाइल है, सेल है, ठीक है, आपके पास मोबाइल यानी कि जो एंड्रॉयड फोन है, अगर इसमें सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं होगी तो ये एक डेड सिस्टम होगा आपके लिए, ये मीन्स देर इज नो मीनिंग टू अस, इसकी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ जी ये डेड फोन है, ठीक है, आप इसे परचेज कर लें जी 22,000 का है, तो आप कहेंगे कि वाह जी वाह 22,000 चल तो रहा नहीं, तो डेड है बिल्कुल, इसमें तो है ही कुछ नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीजें जरूरी हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर भी बिल्कुल उतनी, अच्छा विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चल भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे हमने मैंने आपको पहले कहा था कि विदाउट हार्डवेयर असल में कंप्यूटर में जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपके पास, लेकिन उसमें विंडो नहीं है, उसमें प्रोग्राम नहीं है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक में आता है जी, उसके बाद कैपेबिलिटी और कंप्यूटर थी, कैपेबिलिटीज हमने जैसे डिस्कस की थी ऑलरेडी, यहाँ पर हमने कुछ कैपेबिलिटीज पहले डिस्कस की थी कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की थी ना नंबर 3 पे, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले स्पीड थी यानी कि काम बहुत तेजी से करता है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेशंस मीन्स के एक ही काम को बार बार करना, मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट को कहूँ जी आपने इस टॉपिक को 20 मरतबा लिखना है, तो वो 10 मरतबा लिख कर थक जाएगा, सर क्या है 10 मरतबा मैंने लिख लिया ना बस बहुत है ये, यानी कि आर्गुमेंट्स, वो काम उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर एक ही जॉब को 100 टाइम्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको सर अंजाम दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर उसकी थर्ड क्वालिटी है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स कि बिल्कुल सही सही ठीक ठीक, 2+2 हमेशा वो 4 देगा, कभी भी 5 नहीं देगा, ठीक है। ह्यूमन से मैथमेटिक्स में एरर्स हो सकते हैं, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर पे चाहे वो मैं उसको 12 या 13 स्टेप पे उसको मैं फार्मूला दे दूँ, इसके बावजूद भी वो मुझे बिल्कुल सही सही एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे वहाँ पर हमने पहले बात की थी कि कंप्यूटर में ये खासियत है कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनेज, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना
कि कंप्यूटर जब हमने डेफिनेशन में बात कर रहे थे तो हमने थर्ड देखे यहाँ पर इस स्क्रीन पे के सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो है वो सबसे पहले तो कि स्पेसिफिक टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये बिल्कुल सही सही अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद बात की थी स्पीड की, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट है, इट कैन क्विकली, ठीक है, स्टोर एंड रिट्रीव, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं स्टोर एंड रिकॉल की, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से रिस्टोर और रिकॉल, मतलब के रिस्टोर मींस रिकॉल कर सकता है डेटा को और डेटा सेव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा सेल्फ चेकिंग, ये अपने एरर्स खुद चेक करता है, मींस के कैलकुलेशन इसमें ऐसे एरर चेक होते हैं कि ये मिस्टेक नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद अब जो यानी कि जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, सेल्फ ऑपरेटिंग भी सिस्टम आ रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद को मैनेज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जैसे 40 से रेज करता है, वो फॉरन वार्निंग देकर के सिस्टम को जो है वो बंद कर देते हैं, यानी कि ऑफ कर लेगा, मीन्स के हमने उसमें इंटेलिजेंस दे दी कि वो खुद को सेल्फ चेकिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी बुक में आप देख रहे हैं पेज नंबर 4 है, 5 है, 6 ऑलरेडी हमने इस हवाले से बात की थी, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री बताई कंप्यूटर की हिस्ट्री के, सबसे पहले जैसे एबाकस था, एबाकस के बाद फिर आगे सिलसिला चलता रहा, ठीक है। और हमने चार्ल्स बैबेज, अच्छा बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जदीद कंप्यूटर का बानी कैसे कहा जाता है, मैंने सबको बताया था, चार्ल्स बैबेज। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कंप्यूटर देयर शुड बी 3 पार्ट्स इन कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस अलग होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग होना चाहिए और आउटपुट डिवाइस सेपरेट होनी चाहिए। और इसके अलावा इसने वहां पर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दिया था कि हम कंप्यूटर को जो प्रोग्राम दे वो वही काम करे। इससे पहले क्या होते थे, कंप्यूटर स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर सिर्फ एडिशन के नहीं बनाया था, वो सिर्फ एडिशन ही कर रहा होता। जैसे यहाँ पर हमने कुछ ऐसे कंप्यूटर जनरेशन देखी थी, ठीक है, कि जो सिर्फ सिर्फ यही काम कर रहे होते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एबाकस तो खैर ये था ना, नेपियर बोन था जैसे हमने, ठीक है, नेपियर बोन क्या करता था, सिर्फ सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था, ये या कैलकुलेट स्क्वायर और क्यूब रूट करता था, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास स्लाइड रूल थे, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ठीक है, रूट्स, लॉगरिथम और ट्रिगोनोमेट्री करता था, लेकिन ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करता था, यानी कि स्पेसिफिक जॉब के लिए सिस्टम होते थे, ये तमाम जॉब्स नहीं कर सकते थे। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स बैबेज ने कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम इसे जो प्रोग्राम दें, जो कहें उसके मुताबिक ये काम करे। उसके बाद फिर हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से बात की, ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्लीट यानी कि टिल टुडे जो हमने कहा जी अब आज के तक के जो दौर में जो हमारे पास कंप्यूटर, यानी कि जो फिफ्थ जो हमारे पास जनरेशन चल रही है, कल हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, फोर्थ जनरेशन तक तो सबको समझ आ गया था, कल मैंने फोर्थ जनरेशन तक आपको बताया था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या था, हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, फोर्थ जनरेशन में हमने टेक्नोलॉजी यूज की थी प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली कॉम्बिनेशन थी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट था, जैसे बहुत सारी आईसीस इससे पहले जो था, यानी कि बहुत सारी आईसीस का मजमुआ, मींस के हमने थाउजेंड्स ऑफ आईसी को छोटी सी सिलिकॉन चिप पे इंटीग्रेट कर दिया था। ये बिल्कुल ऐसी था जैसे हमने फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को ले आए थे कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो मल्टीपल वैक्यूम, यानी कि तकरीबन 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर हमारा एक ट्रांजिस्टर था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को जो है वो आईसी पे कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद थाउजेंड्स आईसी हमारी कन्वर्ट हो गई माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी हार्डवेयर वाइज तो ये चल रही है, लेकिन आगे जो हमारी फिफ्थ जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन बेसिकली क्या है, फिफ्थ जनरेशन हमारी कहलाती है AI, यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि हमने कंप्यूटर पे ऐसी उसको प्रोग्राम दे दिए, इस तरीके से हमने उसे डिजाइन किया कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस उसके अंदर पैदा कर दी गई, यानी कि वो खुद सेंस कर सकता है कि जैसे उसकी हीट इंक्रीज होती है या जैसे इन्वायरमेंट के हवाले से, आपने अक्सर रोबोट्स देखे होंगे जो रोबोट्स चलते हैं थ्रू सेंसर चलते हैं, यानी कि वो वॉकिंग रोबोट्स भी हैं, सब कुछ है, तो उसके अंदर बेसिकली यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू सॉफ्टवेयर्स, यानी कि हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाउ टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये ऐसा क्यों जरूरत पेश आई,
बहुत सारी ऐसी, मिसाल के तौर पे मैं अगर ह्यूमन को देखूं, मिसाल के तौर पे अगर आम एक इंसान चल रहा हो, तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप चल रहे हो और आपके सामने अचानक एकदम से जो है वो गहरा खड्डा या कोई ऐसी चीज को रुकावट आती है, तो फौरन वहां पर रुक करके उस रुकावट को अबूर करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर पे भी हमने क्या किया, कंप्यूटर पे हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि वो साथ साथ जब वो जैसे वॉकिंग रोबोट्स है ना, वो जैसे चल रहा है तो चलते चलते साथ ही उसने ये देखा कि जहां पर उसे हैजर्ड्स या जहां पर उसे रेजिस्टेंस नजर आई थ्रू सेंसर, अब सेंसर पे उसे इन्फॉर्म कर दिया कि जी यहाँ हर्डल है, यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब कि सामने कोई चीज है या कोई गहरा खाई है, तो फौरन उसको सेंसर ये इंफॉर्मेशन देगा कि जी आगे ये यहाँ पर आगे स्टेप अहेड नहीं होना, ठीक है। मीन्स के थ्रू सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर को गाइड कर दिया कि आपने यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर सामने कोई चीज हर्डल है तो फिर आपने क्या रिस्पॉन्स करना है, अगर आपके सामने खाई है, गहरा खड्डा है, तो फिर आपने क्या रिस्पॉन्स, यानी कि हमने थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना दिया कि वो अपने काम खुद करने लग गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी फर्दर हम आगे, अब हमारे जो आगे फर्दर लेक्चर होगा आज के लिए, मेरे शायद मैं आपको, एक तो ऑलरेडी पहले हमारा काम काफी जो है वो हार्डवेयर, सॉरी होमवर्क, होम असाइनमेंट्स मेरी काफी जमा हो चुकी हैं। आप मैं आपको कल मैसेज करके बता दूंगा कि या तो सैटरडे को हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, या फिर हम आपको, होप सो कि ज्यादा यही कि हम सैटरडे को आपको बुलवा करके आपकी होम असाइनमेंट्स चेक करें, क्योंकि जो हमें आपको करवा रहा हूँ, जो मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ, इसी आपने साथ साथ अपने पास असाइनमेंट्स की सूरत में अपने फेयर कॉपी पे, रफ कॉपी पे नहीं, फेयर कॉपी पे आपने नोट्स की सूरत में से लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसी पे, यानी कि बुक की एक्सरसाइज पे भी आएंगे, आपसे मैं जो बुक भी, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, अब तक जो मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे हमने हार्डवेयर और कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखी कि बेसिकली कंप्यूटर की हिस्ट्री कब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और क्या सिलसिला रहा, उसके बाद फिर हमने आगे बात की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से बात की, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स थी, ठीक है। ये तमाम मैं आपको करवा चुका हूँ। अब यही अगर आप अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर 25 पे जो आपकी एक्सरसाइज है, तो ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने देख ली, हमने पढ़ ली, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, और ऑल द प्रोग्राम्स विच इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू और द यूजर इंटरफेस इन बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑपरेटर यानी कि ह्यूमन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात आगे करनी है जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से, उसके बाद नंबर है नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर, जैसे हमने बात की थी कि जी एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले जैसे टेलिस्टिक्स थी, उसके बाद फिर एबकस आया, किस तरीके से, यानी कंप्यूटर कि जो मराहल, जिन जिन मराहल से गुजर के जो जो इसमें जो है वो डेवलपमेंट्स हुई, वो हमने सारी डिस्कस की, टिल हमने बात की 4th जनरेशन तक के कंप्यूटर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर हमने यानी कि ये अब तक मेरे 4 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है जो कि लेक्चर में अब तक कवर हो चुके हैं। अब इसके अलावा मैं आगे फर्दर, जैसे कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे बाइफ्रिकेशन, ठीक है। मींस के हम जो कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू, जैसे पर्पज हो गया, अकॉर्डिंग टू स्पीड हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क हो गया उसकी वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, ठीक है। कल आप, वैसे मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 13 अपनी तरफ से, पेज नंबर 13 और 14 और 15, 3 पेजेस आप अपनी तरफ से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, बल्कि 16 भी आप इसको ऐड, यानी कि पेज नंबर 13, 14 और 15, चलें पेज 15 तक बस आप रखिएगा, ठीक है।
13, 14 और 15 ये आपने रीड करना है, ठीक है। कल आपने इसकी वैसे स्टडी कर लीजिएगा, इसको बाद हम इसको कम्प्लीटली सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। 16 में सिर्फ थोड़ा सा मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स है, अगर ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इसे कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, कोई बात नहीं, चार पेजेस कर लीजिए, ठीक है बेटा। 13, 14, 15 एंड 16 ये आपने कल इसको रीड करना है, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है कल हम इसी को लेकर के चलेंगे। मैं आपको सारे इसमें बताऊंगा कि बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन कैसे की है, यहाँ पर हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर की, फिर अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे डिजिटल और एनालॉग में, उसके बाद फिर हम हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे, मेन फ्रेम पढ़ेंगे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ये क्या है, ये नॉर्मली हमारे पास आमतौर पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कल हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम वैसे हमारी क्लास टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह टुमारो हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हम इसे लेकर के साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे जस्ट, अब आप जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास सारे मौजूद हैं, आज मेरे पास 7 पार्टिसिपेट्स हैं, पहले मेरे पास 8 और 9, दो तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट तक गए थे। अच्छा बेटा, काम किया करें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया है कि आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी, यानी कि मीटिंग आईडी और पासवर्ड, अब वो हमेशा सेम वही रहेगा, डेली आपका यही होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। नंबर दो, आपकी जैसे बार बार हम आपको बता रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास आपकी जो है वो टाइमिंग उसकी 10:30 से 11 AM तक है, उसके बाद 11:15 से 11:45 ये हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है। और उसके बाद 12 PM टू 12:30 PM यानी 12:30 ये हमारी फिर फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह विद इन थ्रू आउट 3 डेज हम पार्क स्टडीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह आपकी इसी ड्यूरेशन में क्लास होगी। अच्छा बेटा, आज के सवाल में सर मैं सबको एक एक, एक, एक मिनट दूंगा, आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। अच्छा बेटा, ये एक चीज नोट कर लें, क्लास 8 वैसे मैं अभी हमें दोबारा करना पड़ेगा, शायद बाय मिस्टेक आपको जिससे पहले मैसेज गया है वो फिजिक्स की क्लास का 12:30 गया है, ये 12:30 टाइम नहीं है, ये 12 PM टाइम है, ठीक है, 12 to 12:30 एंड टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबको बेटा एक एक बारी बारी सबसे मैं पूछ लेता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पास अली है, अली तनवीर, ठीक है, अली तनवीर। सर जुमे की क्लास की टाइमिंग क्या होगी बेटा? वो भी अब ये इसलिए हम 12:30 बजे तक खत्म कर देंगे ना, कल हमारी जो लास्ट सेशन, यानी कि ये जो आपका टाइम शेड्यूल है ना, ये डेली यही रहेगा, 10:30 से 11 पैरी क्लास मैथमेटिक्स की, उसके बाद 11:15 से 12:15 यानी कि 11:15 से 11:45 तक यानी कि 12:15 तक आपकी कंप्यूटर की क्लास, उसके बाद 12 PM से 12:30 PM आपकी फिजिक्स की क्लास, ये 3 क्लासें आपकी कल होंगी, ठीक है, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ। अच्छा, आज जो मैंने आपको लेक्चर करवाया इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो या प्रीवियस को ऐसा कोई सिलसिला जो आपको क्वेश्चन आपने को क्लियर है? यस बेटा, इसके असाइनमेंट बना लेना है, हो सकता है मैं आपको सैटरडे को कॉल करवा लूँ असाइनमेंट्स के साथ, ठीक है। असाइनमेंट्स आपने लाजमी बनानी है, ये नहीं कि आप नेट पे हैं, हाँ जी आप नेट पे हैं तो मैं आपके असाइनमेंट चेक नहीं करूँगा, नो ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, आपने असाइनमेंट्स की कम्प्लीट कर तैयार करनी है। अच्छा जी, ठीक है बेटा अली, अब मैं बात करता हूँ अरबाब से। जी अरबाब, आप सॉरी अरबाब, हेलो अरबाब बेटा, आपको समझ आया सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी क्या चीज, रिपीट कीजिएगा। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, थोड़ा सा करीब माइक करके बात करें। हाँ जी, कंप्यूटर का यही शेड्यूल सारा यही होगा, पीरियड सारे और पासवर्ड और आईडी भी यही होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स हो गए, ठीक है। मीटिंग आईडी भी
ठीक है, और पासवर्ड भी ये बिल्कुल फिक्स है, और पीरियड भी इसी तरतीब से होंगे, ठीक है। ओके बेटा। अच्छा जी, अब है मैं लेता हूँ जी दानियाल को लाइन पे। दानियाल, दानियाल बेटा को प्रॉब्लम सर, ये जो असाइनमेंट है जी, ये हमने कॉपी पे करना है, तो पहले हम रफ कॉपी पे करके आपको चेक कराने, फिर घर आके हम फेयर करने, ये सही है? देखो पता क्या, वो तुम्हारे लिए डबल काम हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूँ आपने तो इसी को लिखना है ना सारा, ठीक है, यही सर अपने अपने अल्फाज में लिखना है ना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके सर, तो ये मैं समराइज करके यही जो है वो फेयर कॉपी में लिख के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ला करके चेक करवा दीजिएगा। अगर आपको फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक मुझे रफ एक असाइनमेंट बना करके ला के चेक करवा दें कल, ठीक है, मैं आपको उसका बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो सर, सब क्लियर है, ठीक है जी। yes. ठीक, ओके ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास है फायजा कफील। फायजा कफील मेरे पास अभी तक आ नहीं रही है, म्यूट नहीं हो रही। फायजा कफील, हेलो जी बेटा। फायजा कफील, वालेकुम सलाम जी सर। बेटा फायजा कफील को प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, सब क्लियर है? सर ये जो आपने अभी जिधर तक लेक्चर दिया है इस हमें असाइनमेंट, हाँ जी, हाँ जी, ये आपको देखा, हाँ जी, हाँ जी, देखिए जैसे जो आपको हमें समझ आया बस हम वही लिखे ना। हाँ जी, हाँ जी, जो आपको समझ आए ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना आपने लेक्चर को समझा है, ठीक है, मुझे उस हवाले से सारा पता चला। अच्छा, आप साथ साथ नोट्स लेते रहते हैं ना? और जी बस साथ साथ नोट्स लिया करें, ठीक है, और उसको साथ साथ जो है ना वो लिखते रहकर। सर शॉर्ट स्क्रीन ले लेते हैं, सर ये जो क्वेश्चन आंसर है जो पहला क्वेश्चन और दूसरा और तीसरा, तो ये हमें फेयर कॉपी में करना होगा। हाँ जी, ये बेटा आपको फेयर कॉपी पे करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको फेयर कॉपी पे करना है, ये फेयर कॉपी पे करने हैं आपको। और सर ये इसके, और सर ये इसके आंसर भी यहीं से मिलेंगे जो अभी हमने लेक्चर लिया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बता दिया ना कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड है, उसके बाद सेवन है, ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, ये आपको इसी में से आपके लेक्चर में से इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है फाजा? चलें ठीक। ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर। अच्छा जी, हमजा खान, हमजा खान,